वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो सभी सीख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके बुक में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड आपको सारी जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए, क्योंकि बेटा जो न्यू पैटर्न है वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन पास द जर्नल एंट्री से रिलेटेड ज़्यादा आ रहे हैं। और वैसे भी अगर आप जनरल एंट्री आपको पता है तो आप ट्रांसफ़र ज़्यादा कर पाएंगे। तो बेटा आपको जनरल एंट्री पता होनी चाहिए। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं पता होगी तो, और आपका टीचर आपको बिना जनरल एंट्री के क्वेश्चन करा रहा है, तो आपके साथ बड़ा धोखा कर रहा है। आप चाहें तो 2018, 2019, 2017 के पेपर पढ़ सकते हैं बोर्ड के, और एडमिशन का क्वेश्चन देखें आप 17-18 का नंबर, और वहाँ पर आप देखेंगे जो भी एडमिशन का नंबर पड़ रहा होगा क्वेश्चन में, लगातार 3 साल से क्वेश्चन दिया हुआ है अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा, बल्कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री का है। तो जनरल एंट्री की आपको रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होगा उससे रिलेटेड जनरल एंट्री आपको पता होनी चाहिए। तो जनरल एंट्री इस क्लास में मैं आपको गुडविल से रिलेटेड जितनी भी जनरल एंट्री होंगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और इस क्लास को देखते रहें। चलिए बेटा केस फर्स्ट करते हैं। पहला केस है व्हेन ओल्ड गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। ये कौन सी होगी अपीयर? ओल्ड गुडविल होगी बेटा। जब भी ये गिवन होगी तो इसकी जनरल एंट्री डाल लेंगे बेटा आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी गुडविल होगी बेटा? ये ओल्ड गुडविल होगी। कौन सा रेशो में बटेगी? यहाँ तो बेटा अमाउंट आ जाएगी गुडविल की, ये आएगा बेटा ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में बटेंगे? ओल्ड रेशो में। क्लियर सर? नरेशन क्या होगी? नरेशन यही होगी ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा? व्हेन न्यू पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर पेड गुडविल प्राइवेटली। जनरल एंट्री क्या होगी सर? जनरल एंट्री होगी नो एंट्री। हाँ जी नो एंट्री। आगे चलते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में होगी व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एज वेल एज कैपिटल। जब नया पार्टनर अपने हिस्से गुडविल और कैपिटल दोनों लेकर आ जाए तो बेटा एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट कैसे डलेगी सर? अमाउंट बेटा यहाँ पे तो डलेगी गुडविल की अमाउंट जितनी वो गुडविल के लिए पैसे लेकर आया, यहाँ पे अमाउंट डलेगी कैपिटल जितनी लेकर आया, और यहाँ पे इन दोनों का डलेगा बेटा टोटल। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ये गुडविल और कैपिटल जो है साथ में एज काइंड भी ले आता है। एज काइंड का मतलब एसेट होता है, तो एसेट भी हम डेबिट कर देते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट कभी कभी हो जाता है ये। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बेटा केस थर्ड। केस फोर्थ, केस फोर्थ में क्या होगा? वैन तो नहीं, यही जो गुडविल होती है
फोर रिटेन्ड गुडविल, जब इस गुडविल को रिटेन किया जाता है तो एंट्री डलती है बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या डलेगी सर? ये तो सेम अमाउंट रहेगी बेटा, यहाँ पे बढ़ जाएगा ये सेक्रीफाइस रेशो में। क्लियर जी? नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट केस क्या होगा? केस फिफ्थ, व्हेन ओल्ड पार्टनर, व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉ हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब पुराने पार्टनर अपने हिस्से गुडविल को निकाल लें तो डलेगी बेटा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या डलेंगे सर? यहाँ पे बेटा यहाँ पे डलेगी विड्रॉन गुडविल की अमाउंट जितने उन्होंने गुडविल निकाल ली, और यहाँ पर बटेगा सैक रेशो में। राइट स्टूडेंट? और केस रहते हैं उनको भी देख सकते हैं बेटा साथ साथ। केस बचते हैं बेटे आपके, फिफ्थ केस हो गया, केस हम देखते हैं बेटा सिक्स्थ केस। केस सिक्स्थ में क्या होगा बेटा? व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब न्यू पार्टनर अपने से गुडविल को ना लेकर आए। क्लियर? तो एंट्री डलेगी बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में बटेगा जी? गेन टू सैक रेशो में। और या तो आप ये एंट्री डाल दें या ये क्या डाल दें बेटा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा बेसिकली दो तरह से ट्रीटमेंट कराते हैं टीचर, आपकी बुक में ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ नहीं है कि कैसे कभी एंट्री डालते हैं कभी एंट्री डालते हैं। बहुत से टीचर इस वाले मेथड को अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारे टीचर इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। इवन दो बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो डीके गोयल में ज़्यादातर क्वेश्चन इसके द्वारा सोल्व हो रहे हैं, और टीएस ग्रेवाल में ज़्यादातर इस बुक के थ्रू सोल्व हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। बेटा यहाँ पर गुडविल नहीं लेकर आया, आपको यहाँ पर मीनिंग समझना है डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल नहीं लेकर आया। नहीं लेकर आने का मतलब ऐसा तो नहीं है वो कैपिटल लाए भी नहीं बिजनेस का पार्टनर बन जाएगा, कैपिटल तो उसे लेकर आना पड़ेगा। तो दो मेथड होते हैं हमारे पास, या तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से काट लें तो उस टाइम पे तो गेनिंग पार्टनर से मतलब यहाँ पे न्यू पार्टनर ही होता है, तब ये वाली एंट्री डलती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, और डेबिट इस तरह पर किया जाता है कि उसके कैपिटल अकाउंट से उतने पैसे काट लिए जाते हैं। आपको पता है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से घटता है, तो यहाँ पर बेसिकली डेबिट करने से घटाने का मतलब ये होता है। ये बात जो मैं बता रहा हूँ डेप्थ की है, कोई नहीं बताएगा ठीक है, ज़्यादातर टीचर आपको बताने में फेल हो जाएंगे, तो ध्यान से समझिए। इसका कारण बेटा ये होता है कि हम कैपिटल अकाउंट में से काट लेंगे उसके, ठीक है। आपको पता है कैपिटल अकाउंट ऐसे टी फॉर्मेट का होता है, ये क्रेडिट साइड होती है ये डेबिट साइड होती है,
क्रेडिट करने से ही इंक्रीज होता है, डेबिट करने से डिक्रीज होता है। सबको पता है कैपिटल क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है, डेबिट करने से डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर ये जनरल एंट्री डालने का मतलब है हमने उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। डेबिट करने का मतलब है उसका हमने कैपिटल क्या कर दी बेटा, कैपिटल को हमने रिड्यूस कर दी, राइट। लेकिन कभी कभी पार्टनर चाहता है कि उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट ना किया जाए, उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम ना कर दिया जाए, बल्कि उसका एक उधार का खाता खोल दिया जाए, जो खोलते हैं न्यू पार्टनर्स करंट के नाम से। देखा ना, यहाँ पे तो कैपिटल ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, करंट। तो जब इसकी पोस्टिंग करोगे, लेजर पोस्टिंग, तो यहाँ पर डेबिट में कभी भी नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे डेबिट हो ही नहीं रहा है, तो डेबिट नहीं हो रहा है, तो डेबिट में पोस्टिंग भी नहीं होगी, जबकि यहाँ पर पोस्टिंग डेबिट अब साइड में होगी। किस नाम से होगी, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ पर ये उधार हो जाता है, इसकी क्रेडिट होती है, कहता है मैं बाद में ले आऊँगा, लेकिन इसका कैपिटल अकाउंट को कम ना किया जाए। तो बेसिक ये दोनों डिफरेंस होते हैं, मैं आपको बता के चलूँगा। आपको एग्ज़ाम में ये वाला मेथड करना है, ये वाला है, ये क्वेश्चन में कब ये वाला और कब ये वाला करना है, ठीक है बेटा। तो आपने टोटल केस क्या देखे हैं, टोटल केस आपने बेटा 6 केस देखे हैं। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं बेटा, व्हेन द ओल्ड गुडविल अपियर्स इन बुक, अगर पुरानी गुडविल होती है तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। ये एंट्री बेसिकली राइट ऑफ करने की है बेटा, ठीक है ना। राइट ऑफ करने के हम राइट ऑफ कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद दूसरी एंट्री है, व्हेन न्यू पार्टनर पेड गुडविल प्राइवेटली, तो हम कोई भी एंट्री नहीं डालते हैं, क्योंकि वो अकाउंट्स के फॉर्म में नहीं देता, छुपके से देता है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एज वेल एज कैपिटल, और कभी कभी काइंड में भी जाता है, तो हम एसेट को डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल। और बेटा ध्यान रखना, जहाँ जहाँ ये वाली एंट्री डलेगी, वहाँ वहाँ ये वाली एंट्री फिक्स है, ये डलनी डलनी है, राइट स्टूडेंट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉन हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब नया कोई पुराने पार्टनर अपने हिस्से गुडविल को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ सैक रेशो में होगा। और उसके बाद जब वो नहीं लेकर आता, तो ये वाली एंट्री बेसिकली डरती है, राइट स्टूडेंट। तो आज आप इस लास्ट क्लास में ये जनरल एंट्री याद करके आए, नेक्स्ट क्लास में हम जब क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 17 PS ग्रेवाल के हिसाब से 2020 एडिशन, आप क्वेश्चन नंबर 17 से 36 तक करने के लिए एबल होंगे। मैंने जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझा दिया है, बस देरी है क्वेश्चन को करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।